फर्रुखाबाद जिला कारागार युवा बंदियों के लिए जेल अधीक्षक ने रोजगार से जोड़ने के लिए जेल के अंदर युवा कैदियों को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रशिक्षण दिलाना शुरू कर दिया है, जिसमें कई युवाओं ने इलेक्ट्रॉनिक प्रशिक्षण लेकर बायबा तैयार कर अपनी अपनी भावनाओं को संचार क्षेत्र में विकसित किया। फतेहगढ़ की जिला कारागार जेल में जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने युवा कैदियों को जेल से छूटने के बाद प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत प्रशिक्षण दिलाया, जिससे युवा बंदियों ने इलेक्ट्रॉनिक का प्रशिक्षण लेकर अपनी अपनी भावनाओं को उजागर करते हुए बायबा तैयार किया, जिससे जेल के अंदर कैदियों आपातकाल में कैसे सुविधा मुहैया कराई जाए। तो वहीं युवाओं ने अपने अपने मनोस्थिति के अनुसार बायबा तैयार कर जेल अधीक्षक को दिखाया, जिसमें एक युवक ने किसी भी बैरक में अगर कोई कैदी को परेशानी होती है तो वह उसकी बेल बजाएगा, जिससे जेल के बाहर बने कंट्रोल रूम पर बैरक की लाइट जलने लगेगी, जिससे ज्ञात हो जाएगा कि इस बैरक के अंदर किसी बंदी को कोई परेशानी है, जिसके चलते बंदी रक्षक दौड़कर बैरक में पहुंचेगा, जिससे कैदी की समस्या का निस्तारण किया जा सके। वहीं जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत इन युवा कैदियों को हम एक टीचर के माध्यम से प्रशिक्षण दिला रहे हैं, जिससे युवा बंदी जेल से बाहर निकल कर इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सके। अगर किसी बंदी को सजा होती है वह जेल के अंदर कीर कर काम करे, जिससे उसको रोजगार भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी नैन, भारतवर्ष। पहले तो हमने इलेक्ट्रिक बैर में प्रशिक्षण किया, ठीक है, और उससे हमने वोल्ट मीटर तथा एम्पियर मीटर का प्रयोग, जैसे कि वोल्ट मीटर का प्रयोग लोड ज्ञात करने के लिए होता है और एम्पियर मीटर का प्रयोग क्षमता ज्ञात करने के लिए, जैसे कितनी वोल्टेज उठा सकता है। अच्छा, अब जैसा कि यहाँ पर आप सीख रहे हो अंदर जी, तो जब कभी यहाँ से बाहर जाओगे तो फिर क्या इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में ही काम करना आगे स्टार्ट करोगे क्या? जी, क्या करोगे आगे भविष्य में? इसमें ये सब सीखेंगे, दुकान वगैरह में वायरिंग वगैरह। हाँ, वायरिंग वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक वायर बनती है धीरे धीरे, मतलब जो घरों में वायरिंग होती है इसके थ्रू रोजगार भी मिल सकता है। अच्छा जी, कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ में डेढ़ साल हो गए। डेढ़ साल हो गए। बच्चे जो हैं इस समय दिशाहीन नहीं, इनको हमने सोचा सकारात्मक और अच्छे कार्यों के लिए इनको इलेक्ट्रिक वायरमैन ट्रेड का प्रशिक्षण देके इनको रोजगार परक बनाना है, जिससे कि यहाँ से तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके अन्य किसी भवन में या किसी कारखाने में जाकर जो है विद्युत कार्य कर सकें और अपने जीवन का यापन कर सकें, अपने परिवार का भी जीवन कर सकें और ये अच्छे बन सकें। सर, कितने दिन हो गए आपने इनको ये ट्रेनिंग देते हुए? मैं सर हमेशा 6-6 महीने का इनका सबका कोर्स होता है सर, शॉर्ट टर्म कोर्स प्रशिक्षण है इनका, तो 6-6 महीने पे सब बदलते रहते हैं सर। हम जी सर, और कितने बच्चों को लगभग प्रशिक्षण दिया आपने जेल में? अभी तक करीब नियर अबाउट 250 बच्चों को प्रशिक्षण और बंदियों को प्रशिक्षण मिला है, जिसके सर्टिफिकेट डीएम साहब द्वारा बंटवाए गए हैं कई बार समय समय पर, और आगे भी यही कोशिश रहती है कि बच्चों किसी तरीके से अपना जीवन अच्छी तरीके से निर्वाह कर सकें। ये हमारी जेल में 18 से 21 साल के जो बच्चे निरुद्ध होते हैं, ये उम्र एक ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा भटकाव की स्थिति होती है। ऐसे भटकाव को रोकने के लिए कौशल विकास के अंतर्गत हमारे टीचर एक नियुक्त हैं कारागार पर, राम कुमार जी, उनके द्वारा 6-6 महीने के कोर्स बंदियों को बच्चों को कराए जाते हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल जो है 15 बच्चों को ये कोर्स कराया जा रहा है, और ये इलेक्ट्रिक का वायरमैन का कोर्स है, जिसके अंतर्गत अलग अलग तरीके के बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए हैं, किसी ने अलार्मिंग का बनाया है, किसी ने ट्यूबलाइट का बनाया है, और तरीके के प्रोजेक्ट बना करके आज उनका प्रोजेक्ट टेस्ट था।
सर, जेल में जिस तरीके का प्रयोग आपके द्वारा किया जा रहा है, अगर ये सफल प्रयोग होता तो क्या सभी जेलों में यूपी के लागू होना संभव है क्या? हमारी सभी जेलों में बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। यहाँ हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण चल रहा है और बहुत सी जगहों पर बहुत काम हो रहे हैं, बहुत इंडस्ट्री चल रही है। हमारे बरेली में फिनाइल बनती है, पेंट उद्योग चल रहा है, हमारे फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में जो है टेंट उद्योग चल रहा है और उद्योग चल रहे हैं, सभी जेलों में काम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में पहली बार आया, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में ये काम कर लेने से जो भी हैं ये बाहर जाएंगे, अगर यहाँ भी रहेंगे, दुर्भाग्यवश अगर आगे कोई सजा वजा पड़ जाती है तो ये इलेक्ट्रिक का हमारा जेलों में काम करते रहेंगे और इनसे उनको रोजगार मिल जाएगा। ठीक है।